सदन के अंदर जब वक्तव्य दिया जाता है सही मायने में वो सच्चाई होती है। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हर बात पर हम सभी बोलने को शुरू ही होती है और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जो एसजे पीनल वाले मैपिंग जीआई मैपिंग सर्वे कर रहे हैं वो सारे शिमला में उड़ रहा है। क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसमें बारे में कहा है कि अगर इनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इस प्रकार सनसनी फैलाकर फिर वॉकआउट करना हर छोटी बात पर, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित चर्चा करनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित चर्चा करते नहीं है। हर दो मिनट बाद उठकर चले जाते हैं, हर दो मिनट बाद वॉकआउट करना चाहते हैं। अब तो स्पीकर साहब ने ये व्यवस्था दे दी है और कुछ अखबारों और कुछ मीडियाओं ने गलत चलाया, क्योंकि जब कोई विपक्ष का विधायक अंदर बैठा होता है वो वॉकआउट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट होता है। तो वो जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने ये बात उठाई है, तो निश्चित तौर पर वॉकआउट करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन किस मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं? शराब में सबसे बड़ा घोटाला इनके समय का हुआ। आज सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि जो तो हमने कहा कि जहाँ पैसे की बात आएगी तो उसमें आप बताइए, अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई और जिसकी जगह पर बनाएगी उससे पूछा ही नहीं। वो जगह हालांकि सरकार की पाई गई है, उसमें रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उस केस को भी ढंग से सरकार ने लड़ा। प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रेन करने का काम कर रहे हैं। बिजली के प्रोजेक्टों के मामले में मैंने कहा कि धौलासिंह लूरी और हमारा सुन्नी जो पावर प्रोजेक्ट है जिसमें लूरी में 4% स्टैगर करके 4% हमें 10 साल बाद मिलेगी और 11 साल से 26 साल के बीच में 8% मिलेगी, 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी। और जब तक वो प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा, तब उसके बाद 25% मिलेगी और GST 50% कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा और लाडा उसमें कोई नहीं लगाया। ये तो लूरी प्रोजेक्ट के हाल है, धौलासिंह प्रोजेक्ट में ये है। इनके समय जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट है उसको ड्रेन हुआ है, प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है, इसीलिए आज जो केवल पठानिया जी ने सवाल पूछा इसलिए मैंने उसका विस्तृत उत्तर भी दिया। सर आपने कहा कि आज मैं आपको हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का भी जन्मदिन है, अभी इनका हमने भी केक काटा है। और बताइए सर, एक कल शिरोमणि अकाली दल के जो नेता है उन्होंने कंगना रनौत पर टिप्पणी की थी अभद्र, उस बारे में क्या कहना है? मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या टिप्पणी। सर आपने कहा कि ईडी और सीबीआई को लेटर लिखा है। देखो हिमाचल पुलिस को जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसी है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे प्रतिपक्ष के नेता जी को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है? उन्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हाँ, जो गलतियां कर दी है आपने अगले पिछले 4-5 साल में, जिसमें प्रदेश की संपदा को आपने लुटा दिया, हो सकता कि उन्हें पता ही ना हो अधिकारी लुटा गए। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने को जिस प्रकार से लुटा दिया गया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ है, 2200 करोड़ रुपया हमने राजस्व कमाया है। शराब के एक साल के ठेके की नीलामी से हमें
485 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला और भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया कमाया, जो एक साल में 450 करोड़ रुपया आया है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना ट्रेजरी को नुकसान हुआ। ये जो पावर प्रोजेक्ट बेच इन्होंने एग्रीमेंट किया एसजे बीनल से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया। ये एसजे बीनल से हुआ है, एनटीपीसी से हुआ है। आप बताइए हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रखवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए एनपीएस के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है, 18000 करोड़ तो यही हो गया। बीबीएमबी का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टीज बने, आज तक उनको जमीनें नहीं मिली। बीबीएमबी का एरियर का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है, वो कौन रखवा रहा है। हमारी जो लोन की लिमिट है उसको कौन रखवा रहा है। इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया। तो इन सब चीजों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य।